हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं माड़ा इको पार्क में। तो माड़ा इको पार्क कैसा है, इसको आप कह सकते हैं सिंगरौली का शिमला भी है, क्योंकि यहाँ पे लोग हॉलीडे सेलिब्रेट करने आते हैं। तो अभी हम तीनों लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे। आज है संडे, तो चलिए संडे का पूरा व्यू आपको दिखाते हैं किस तरीके से है माड़ा इको पार्क का। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल सीन है। पहाड़ है, चारों तरफ ग्रीनरी है केवल, और ये पहाड़ देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ है। कुछ लोग आगे जा भी रहे हैं और हम ही लोग और ये लोग पीछे पीछे लगे हुए हैं। टोटल नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये टोटल इको पार्क का व्यू है। ये पहुंच चुके हैं जो मेन व्यू एरिया है, व्यूइंग एरिया है। यहाँ पे आपको रॉक वेल और हर चीज़ मिलेगा। टोटल जंगल को बीचों बीच बना हुआ ये एरिया है। जिग जैग मंकी और पोल बैल, हर चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी सकते हैं जिग जैग कॉम्बो, पैदल चलने के लिए ये पुल बनी हुई है। और फाइनली ये है जिसके लिए माड़ा एकदम प्रसिद्ध एरिया है, गुफाएं। पुरानी गुफाएं यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। पैदल चल के हालत अब गंभीर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पत्थरों पे बनी हुई डिजाइंस है वो अलग ही रूप में आपको नजर आ रही होंगी। एक वो आदमी देख सकते हैं कहाँ ऊपर, और एक ए चल रहे हैं। सो दोस्तों, ये देख सकते हैं अंदर ये गुफाएं हैं, पानी भरा हुआ है। अभी थोड़ा सा अंदर इसलिए टेम्पल भी आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है तो इसमें कुछ हो सकते भी हैं जानवर वगैरह, इसलिए अंदर अपन लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन बाहर बाहर का आपको व्यू और जो डिजाइंस है आपको हम दिखा दे रहे हैं किस तरीके का यहाँ पे जो यहाँ का पूरा डिज़ाइन है, क्योंकि बरसात का सीजन है तो जानवर अपनी जो बचाव के लिए अच्छा जगह ढूंढते हैं, इसके वजह से अपन लोग अंदर नहीं जा रहे हैं उसमें। तो आप देख सकते हैं कि माड़ा का जो गुफा है कुछ इस तरीके से है, और माड़ा का जो इको पार्क है वो गुफाओं के जस्ट एरिया में ही है। तो आपको कैसा ये पूरा व्यू है कमेंट करके बताएं, और पूरा जो अभी टूर है अभी बाकी है। तो ये देख सकते हैं जो पेड़ पे बना हुआ है जिग जैग वॉल, उसका पूरा व्यू, और ऊपर से माड़ा की गुफाओं का पूरा व्यू। ये खूब इंजॉय करते हुए, और इस पर जिसको जाना हो पैदल वो जा सकता है। सो देख सकते हैं कि ये जो मित्र हमारे हैं एक स्टंट कर रहे हैं, और इनको
कैसी फीलिंग आ रही है यही बता सकते हैं। इस पे चलने क्या है बिना सेफ्टी बेल्ट के, हाइट भी देख सकते हैं नीचे का, जिसको चलना है ऊपर देख देख के चले, नीचे का अगर हाइट देखेंगे तो फिर, और पूरा व्यू अब देख सकते हैं पहाड़ी। तो दोस्तों अभी इनकी फीलिंग पूछते हैं कैसा रहा इनका जो व्यू और ये चलने का स्टाइल जो देख रहे थे आप, क्या है इनका। तो दोस्तों जो ये इको पार्क है ऑन एवरेज ठीक ठाक पार्क है, आप अगर आएंगे तो इन्जॉय कर सकते हैं। बस यही एक दिक्कत है कि आप अपने साथ अगर आते हैं तो फूड वगैरह लेके आए, क्योंकि यहाँ पे फूड वगैरह की व्यवस्था रिचो नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था के लिए आपको अपना सामान लेके आना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स लाइकली अगर आपको नेचर का मज़ा लेना हो तो आप माड़ा में आएँ, फुल नेचर आपको मिलेगा, और ऐसे मौसम में आए जब धूप ना हो तो और भी आपको फीलिंग हैप्पी हैप्पी आएगी। और ऐसा ऐसा जो यहाँ पे बनाया गया है आप देख सकते हैं, मिनी गंगा आप यहाँ से देख सकते हैं, पहाड़ों से निकलने वाली नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और ये इधर एक एक प्रकार का सीन नज़र आ रहा होगा। मित्र हमारे बहुत बिजी हैं फ़ोन में, ये अपना जो रील्स है वो बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं इस पार्क के सबसे ऊंचाई वाले एरिया पे, आसपास का आप देख सकते हैं व्यू कुछ इस तरीके से, पहाड़े पहाड़, डबल एक्सरसाइज हो रहा है, ये भी मुस्कुरा रहे हैं खूब, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, शिमला मनाली आ चुके हैं। तो अभी झरने के पास जा रहे हैं, पार्क में एक झरना भी था वो अभी हमको पता चला, झरने के पास जा रहे हैं, झरने का व्यू कैसा है दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं ये क्षेत्र कैसा एरिया है आपको, और पानी का व्यूइंग सीन क्या शानदार सीन आपको नज़र आएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं पानी पहाड़ से नेचुरल पानी यहाँ से आपको गिर रहा है। और ये पानी आप देख सकते हैं, और इधर सो ये है इको पार्क माड़ा का मेन जगह एरिया, यहीं से आप जितने भी ये सीन्स हैं इस पे झूला है यूज़ कर सकते हैं, बकायदे चार्ज दे के 300 रुपये पर पीपल का आप इसमें चार्ज दे के कर सकते हैं।